हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट स्टैंडर्ड 4 EBS लुकिंग अराउंड। और हम क्या पढ़ रहे थे चैप्टर 3 में? डे विद नंदू। ओके, उसकी जो आपकी बुक में ये जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कशन किया स्टूडेंट्स? फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लाइव इन हॉर्स। हमने ये लिखा था कि एलिफेंट के अलावा और कौन सी एनिमल्स जानवर से जो आपके हर्ड में यानी कि एक साथ रहना, जुट होकर रहना पसंद कर सकते हैं, पसंद करते हैं। वहाँ तक कंप्लीट हुआ था स्टूडेंट। नेक्स्ट, डू यू आल्सो लाइव इन ग्रुप? आप भी आपकी परिवार में पूरा मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं या अकेले रहते हैं? Do you like to live together like that? आप ग्रुप में रहना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो उसका रीजन क्या है? अगर आप ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते हैं तो उसका रीजन क्या है? आपको 3-3 लाइन्स यहाँ पे लिखना है जो हमने आपके लिए यहाँ पे लिख कर रखा है स्टूडेंट्स। Why I would like, मैं क्यों पसंद करूँगा ग्रुप में रहने के लिए? Why I would not like, मैं क्यों पसंद नहीं करूँगा ग्रुप में रहने के लिए? First, one feels secure in group. अगर हम ग्रुप में रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। Second, we feel love in group. अगर हम ग्रुप में एक साथ इकट्ठा मिले हुए रहते हैं तो हमको सबसे बहुत सारा प्यार मिलता है। नंबर 3, वी लर्न हाउ टू हेल्प। हम ये सीखेंगे कि दूसरे की मदद कैसे किया जाता है ग्रुप में। अकेले में तो नहीं होता है, दूसरे को मदद कैसे करते हैं? मम्मी को, अंकल को, आंट को, ग्रैंडपा को, ग्रैंडमा को, अगर जॉइंट फैमिली हो तो ठीक है। ये सब फायदा मिलेगा, हमको सीखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, Why I would not like, मैं क्यों पसंद नहीं करूँगा ग्रुप में रहने के लिए? Possibility of internal fight, हो सकता है कि हम अगर ग्रुप में एक साथ जॉइंट फैमिली में रहे तो अंदर अंदर एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है, फाइट होती है, आर्गुमेंट होती है। फिर सेकंड, टाइम वेस्ट फॉर यूजलेस टॉक्स। और क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर सब हम ग्रुप में रहते हैं, कुछ काम नहीं है, सब अगर एक साथ बैठ गए तो अननेसेसरी, जो यूजलेस, जो हमारी काम की नहीं है, वो सब बातचीत हम करते हैं। नंबर 3, नॉट पॉसिबल टू लाइव इंडिपेंडेंटली। हम लोग इंडिपेंडेंटली यानी कि अकेला रहना नहीं मिलेगा। पर्सनल चीज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते, ग्रुप में रहना है तो सबके सामने ही करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, टर्न योर पेज, पेज नंबर 22। Which animal did you ride on? Write their names. आप कौन से जानवर पे बैठ के राइड यानी कि सवारी कर सकते हो उसका नाम लिखिए। नंबर 1, CAMEL, कैमल। सेकेंड, HORSE, हॉर्स, घोड़ा। ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। हम उनके ऊपर बैठ के सवारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ यू आर मेड टू राइड ऑन एलिफेंट हाउ डू यू फील? बेटा अगर आपको बिठा कर लेकर एक हाथी के ऊपर बिठा दिया गया, ओके, तो आप अंदर से कैसे फील करेंगे, क्या एहसास करेंगे आप? ओके, राइट डाउन द आंसर। आई विल फील हैप्पी, मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। एंड एन्जॉय, मैं एन्जॉय करूँगा। माई सेल्फ, आई यानी कि मैं ये सोचूंगा माई सेल्फ एज ए किंग, जैसे कि मैं एक राजा हूँ और एन एम्परर, और राजा से भी बड़ा जो सम्राट होते हैं, मैं वो हूँ हाथी के ऊपर बैठूंगा। तो नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज, समवेयर्स, बी अलोन, सम इन ग्रुप। फाइंड आउट वन मोर अबाउट वन ऑफ दिस एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, बहुत सारे एनिमल्स स्टोरी भी पढ़ी होगी कि ग्रुप में रहते हैं, और ये एलिफेंट को छोड़ के
दूसरा आपको जो भी पसंद है ग्रुप में जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ये चीज़ आपको खुद को लिखना है, क्योंकि आपको कौन सी जानवर पसंद है आई डिडंट नो, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, व्हाई डस द एग्रेट सी टर्न बफेलो, ये बफेलो का पिक्चर देखा गया है, उसके ऊपर एग्रेट बैठा हुआ है, वो क्यों बैठते हैं? टू फीड ऑन द इंसेक्ट्स एंड बक्स टक्स टू इट्स स्किन, और जो बफेलो की जो स्किन होता है ना स्टूडेंट्स, इसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको खाने के लिए वो वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। नेक्स्ट, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अदर एनिमल एट इट्स नेम, आपने ये बफेलो और इग्रेट को छोड़कर बाकी किसी और को देखा है? यस, वो होते हैं मैना एंड क्रो, वो लोग भी दूसरे जानवर की पीठ पे बैठे हुए रहते हैं। द एनिमल हुइच गिव अस राइड, हम और किसी के ऊपर गांव में किसके ऊपर बैठते हैं? बफेलो और काउ के ऊपर। नेक्स्ट, विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स एंड लिफ्टिंग वेल्स, हमको कौन से जानवर जो है स्टूडेंट्स वेट यानी कि वजन उठाने के लिए सामान एक जगह से दूसरे जगह पे लेने के लिए हम यूज़ करते हैं? उसके आंसर है डोंकी, एलिफेंट, कैमल एंड हॉर्स, आपको ये चीज़ लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके चैप्टर फिनिश होती है एंड चैप्टर 4 में द स्टोरी ऑफ अमृता हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आपको ये बोर्ड वर्क की एक्सरसाइज आपकी बुक में कंप्लीट कर लेना है और लर्न भी करना है। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।